हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीटॉक ब्लॉग्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ चंद्रकला गुजिया। ये दिखने में जितना सुंदर है उतना ही खाने में टेस्टी बनता है, और इसको हम चाशनी में डिप करके बनाएंगे। यह नॉर्मल गुजिये से थोड़ा सा अलग बनता है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हर रोज़ नए रेसिपी के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इस चंद्रकला गुजिया को बनाना शुरू करते हैं। चंद्रकला बनाने के लिए हमने मावा ले लिया है, किशमिश ले लिया है थोड़ा सा, इलायची का पाउडर लिया है आधा चम्मच, और कोकोनट पाउडर है, ये ड्राई वाला कोकोनट पाउडर है। तो अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मावा हमने होममेड लिया है, तो घर पे हमने दूध को जला के और उसका मावा बना लिया है। अगर आप बाहर से ला रहे हैं तो उस मावे को थोड़ा सा गैस पर पहले मेल्ट कीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्स कीजिए, तब इसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इस तरह से ये हमने मावा को पूरा मिक्स कर लिया है एकदम अच्छे से। तो अब हम बनाएंगे इसका चाशनी। तो 2 कप पानी डाल रहे हैं हम लोग। अब इसी कप से, जिस कप से हमने पानी डाला है उसी कप से 3 कप माप के चीनी लिया है। चाशनी हमें एक तार से थोड़ा सा कम का चाशनी बनाना है, पूरा एक तार भी नहीं बनना चाहिए, उतना चाशनी बनाना है। तो अब इसको मेल्ट करके और अच्छे से चाशनी बना लेते हैं। चाशनी हमारी देखिए पूरी बन गई है। हाँ, इतना चिपचिपापन होना चाहिए, न एक तार इसमें बनना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। तो चाशनी पूरी रेडी हो गई है। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा फूड कलर मिलाएंगे। तो ये मैंने केसरी फूड कलर ले लिया है, इसमें डाल देंगे और मिला देंगे। ये हमने आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है, ये भी इसमें डालेंगे और मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अब चलिए फिर हम चंद्रकला बना लेते हैं। तो उसका आटा लगाना है पहले। अब आटा लगाएंगे तो यहाँ पे 3 कप हमने मैदा ले लिया है, इसी कप से 3 कप मैदा लिया है हमने, और 1/4 कप हमने मोयम लिया है, अब इसमें डाल देंगे। और मोयम को एकदम अच्छे से मिला लेना है मैदे में। आटे में मोयम देखिए एकदम अच्छे से लगा लिया है, और ऐसे आप मुठिया बना के देखिए, अगर अच्छे से बन रहा है तो समझिए मोयम एकदम अच्छे से लग गया है। अब इसको हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने गुनगुना पानी लिया है, हल्का गुनगुना पानी लिया है। अब इसी से हम आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और फिर आटा लगाना है, एक ही साथ ज़्यादा पानी मत डालिए, और अच्छे से इस आटे को लगा लेना है। ज़्यादा गीला भी नहीं लगाना होता है आटा, थोड़ा सा सख्त लगाना है आटा। देखिए हमने लगा लिया है, और इतना सख्त आटा इसको लगाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो इस तरह से आटा लग गया है। अब इसको 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट के लिए रखेंगे। आटा 10 मिनट रेस्ट हो गया है, और इतना बड़ा साइज़ हमने एक रोटी के बराबर एक लोई लिया है। अब इसको हम बेल लेंगे, पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। अब इस तरह से हमने एक बड़ा रोटी इतना एक बना लिया है। अब हमने ये ग्लास लिया है, अब इस ग्लास से हम इसको कट करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसका एक तो शेप पूरी का एकदम बराबर आएगा, और अच्छे से ये बन भी जाएगा। तो इतना ऐसा इसका थिकनेस होना चाहिए। तो इस तरह से जितना इसमें कटता है उतना हम काट लेंगे। और अब एक बर्तन पे इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने बेल के और कट करके एक प्लेट में रख लिया है। अब इसमें हम मावा भरेंगे। तो 1 चम्मच रखेंगे, ज़्यादा नहीं, या तो पूरी आपकी बड़ी है तो उसके हिसाब से रखिए। अब इसके ऊपर हम दूसरी पूरी रखेंगे, उसको चिपका देंगे।
अब इसको हम फोल्ड करेंगे, तो ऐसे दबाना है, फिर उसको मोड़ना है, फिर नीचे से दबाना है और मोड़ना है, तो इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से इसको बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये चंद्रकला बना लिया है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है, तो अब इसमें हम चंद्रकला डालेंगे। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब नीचे की साइड इसकी अच्छी से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसको हम पलट देंगे। तो इस तरह से ये एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे। इतना ही इसको फ्राई करना है। चाशनी जो हमने बना लिया था इसको फिर से गरम कर लिया है, हल्का ठंडा हो गया था इसलिए। अब इसमें हम डालेंगे चंद्रकला, तो एक एक करके उसमें डाल देंगे और 5 मिनट इसको चाशनी के अंदर रहने देंगे ताकि अच्छे से चाशनी पूरा सोख लेगा ये। इसको ढक के 5 मिनट के लिए इसी में रहने देंगे। 5 मिनट हो गया है और चाशनी में एकदम अच्छे से चंद्रकला डीप हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो चम्मच की सहायता से इसको बाहर निकालिए। तो इससे क्या है, पूरा अंदर तक इसके अंदर रस चला गया है अच्छे से। चंद्रकला बन के एकदम से रेडी हो गया है और लग रहा है ना एकदम हलवाई जैसा बना है। तो अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए अंदर से कितना जूसी बना है। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है और रस पूरा अंदर तक घुस गया है, बस देखते ही खाने का मन कर रहा है। मैं एक पीस खा लेती हूँ। इस तरह से ये चंद्रकला बनाइए, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनती है और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को या बड़ों को सबको पसंद आता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।